नरेंद्र कुमार के अथक प्रयासों से बोरीवली पूर्व के मेन कस्तूरबा मार्ग पर स्थित लाइट के पोल लगाने के कार्य की शुरुआत की गई, ताकि अंधेरा पड़ा यह इलाका रोशनी से जगमगा उठे। इस कार्य के लिए विशाल पैमाने पर भूमि पूजन का एक उत्कृष्ट और भव्य कार्यक्रम किया गया। कस्तूरबा मार्ग क्रमांक 5वें जंक्शन पर नरेंद्र हॉस्पिटल के पास आयोजित भूमि पूजन समारोह में कांग्रेस तथा शिवसेना के कई नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें आयोजक डॉक्टर नरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक विनोद गोसालकर, एडवोकेट अशोक सूत्रालय, सदा भाई चौहान, विनय पाटिल, डॉक्टर किशोर सिंह, श्वेता कोरेगावकर, गीता सिंगम, भास्कर खुरसंगे, संजय सिंगम, अशोक सोनावने, रमनिक भाई, केवल जी, लीलावती सोनावने तथा उमा मालवनकर के नाम विशेष उल्लेखनीय है। कार्यक्रम की सफलता के लिए रुचि जानी अजय पांडे तथा नरेंद्र हॉस्पिटल के स्टाफ ने प्रशंसनीय योगदान दिया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन सुजीत कनौजिया ने किया तथा आभार प्रदर्शन आयोजक डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने किया। नरेंद्र जी, आज आपने भूमि पूजन किया है, किस कार्य की शुरुआत के लिए और आपको क्यों लगा कि यह कार्य करना जरूरी है जिसके लिए आपने आगे कदम बढ़ाया है? आज आप सभी ने देखा कि मैंने डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कस्तूरबा रोड नंबर मेन पर स्ट्रीट लाइट का प्रोग्राम किया। ऐसा सभी ने यहाँ के जो दुकानदार हैं और सीनियर सिटीजन ने बताया कि यहाँ पर शाम के बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंधेरा रहता है और रोड की हालत तो आपको मालूम ही है कि कितने गड्ढे हैं। इसकी वजह से सीनियर सिटीजन गिर जाते हैं, बच्चे लोग गिर जाते हैं और रात में यहाँ पर कुछ चेन स्नैचिंग और दूसरी घटनाएं भी होती रहती हैं। जब मुझे पास कंप्लेंट आई तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी रोड पर देखते आता हूँ, और देखा 10 बजे बाद इतना अंधेरा था कि चलना भी मुश्किल काम था। इसने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ करना चाहिए। मैंने अडानी इलेक्ट्रिक से बात किया और उनको एक राइटिंग में एप्लीकेशन दी हैंड डिलीवरी कि यहाँ पर लाइट की समस्या है, आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा लाइट की व्यवस्था कीजिए। अडानी जी इलेक्ट्रिकल से 4 दिन के अंदर ही एक टीम आई, मुझे मिली और मैंने उनके साथ जाकर रोड का निरीक्षण कराया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ दो पोल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और 100% यहाँ पर अंधेरा रहने वाला है। तो मैंने उनसे बोला क्या किया जाए, बोले हम BMC को लेटर देते हैं और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करते हैं और पोल बढ़ाते हैं। उन्होंने BMC को लिखा, BMC ने जैसे धीमे धीमे फाइल चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली वार्ड ऑफिसर और DMC ने मेरी बहुत मदद की, जिसकी वजह से फाइनली इस काम के लिए परमिशन मिल रही। तो आज आपके इस कार्यक्रम में देखा कि खाली कांग्रेस ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ही नहीं, बहुत सभी पार्टियों से लोग यहाँ पर मौजूद रहे, शिवसेना से भी। तो किस तरह से आप सभी पार्टी को साथ में लेकर जनता के हित में काम करना चाहते हैं? देखिए, ये लाइट का जो मुद्दा है वो मेरे अपने अकेले के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। उस रोड पे हर पार्टी का आदमी चलता है, छोटा बड़ा बच्चा किसी भी धर्म का चलता है। तो लाइट ऐसा मुद्दा था कि मैंने सोचा क्यों सिर्फ मैं ही दिखाऊं कि मैंने किया है। मैंने फ़ोन किया और दूसरी पार्टी वालों ने फ़ोन के ऊपर ही एक्सेप्ट किया, हम आपके इस प्रोग्राम में आएंगे। ये उन लोगों का महानपन है और उन लोगों की मेहरबानी है, या मेरा उनका अच्छा रिलेशन है कि कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम होते भी उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। तो क्या आपने भाजपा को इनविटेशन नहीं दिया था? यहाँ के जो नरेश विद्यार्थी सिंह जी हैं उनको भी मैंने इनविटेशन दिया था और पर्सनली भी फ़ोन से बात किया था, लेकिन कल कुछ रात को गतिविधियाँ ठीक नहीं हुई। कोई बात नहीं है, कल उन्होंने बोला था मैं आऊँगा, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही, नहीं आ पाए। सुनील राणे जी के अभी कल ऑफिस में आदमी गया था जो यहाँ के MLA हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, लेकिन रात को जो कुछ दूसरी पार्टियों ने गतिविधियाँ की उसकी वजह से राणे जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी है, मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाऊँगा, आपके किसी दूसरे प्रोग्राम में, पर्सनल प्रोग्राम में मैं ज़रूर शामिल हूँ। तो आप की राजनीति कैसी,
क्योंकि आज की जो राजनीति हम देख पा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, पार्टी के बीच जो टकरार देखी जा रही है, तो आप सभी पार्टियों को लेकर अभी काम कर रहे हैं, क्या इसी तरह आगे भी आप काम करते रहेंगे या फिर खाली आप अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर और अपने नेताओं को लेकर ही आगे का विकास कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा है, जब भी आपको कोई भी इलेक्शन जीतना है उसमें जनता वोट देती है। कुछ जनता के वोट फिक्स रहते हैं जो एक पार्टी से रिलेटेड रहते हैं, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो जनता देती है, इस इंडिविजुअल आदमी की कैपेसिटी कैसी है, और कुछ फ्लोटिंग वेट्स रहते हैं जो कि इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर 40 वर्ष से बोरीवली में हूँ, एक हॉस्पिटल का मालिक हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा सभी पार्टियों के साथ संबंध है। मैं समझता हूँ बोरीवली में, ईस्ट और वेस्ट में कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का लीडर ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता होगा या मुझे अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाता है। मैं उनके प्रोग्राम में जाता रहता हूँ और वो भी मेरे प्रोग्राम में, जो जनरल प्रोग्राम में सभी पार्टी आते हैं, तो मेरा सबसे पर्सनल रिलेशन है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ की जनता और दूसरे पार्टी वाले भी मुझे डेफिनेटली सहयोग देंगे। तो आपको दूसरी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? मेरा किसी से मतभेद नहीं है, मैं अपने बल पर काम करता हूँ, अपनी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों के साथ भी कोई भी मतभेद नहीं है। अगर कोई भी इंसान चुना जाता है किसी भी पोस्ट पे, वो चाहे कॉरपोरेशन हो, MLA हो या MP है, ये सवाल नहीं उठता है कि किसने वोट दिया है, वो जनप्रतिनिधि है, उसके लिए सब आदमी औरत बराबर होने चाहिए। बिजली के लेकिन पानी की समस्या यहाँ बहुत गंभीर। देखिए, ऐसा है, मैं जब 40 वर्ष पहले यहाँ बोरीवली में आया था तो 5 नंबर से 2 बिल्डिंग थी, अभी हर रोड पर बिल्डिंग बन रही है, तो धीमे धीमे पानी की समस्या तो होनी थी। हमारे इतने वर्षों से नरेश सेवट MLA MP रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया था अगर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की समस्या को सॉल्व किया जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कभी कभी किसी के ऊपर ऊपर वाले की दुआएँ होती हैं, जैसे मेरे ऊपर दुआएँ हुई हैं ऊपर वाले की, आप सभी का और यहाँ की जनता का आशीर्वाद रहा। मैंने सिर्फ 8 लेटर BMC में मूव किया था, उस BMC में 8 लेटर देने में इतनी ठलबली मच रही और धीमे धीमे करते सभी डिपार्टमेंट, रोड वाटर डिपार्टमेंट्स सभी जुड़े मेरे साथ में, और उन्होंने अल्टीमेटली फाइल मेरी मूव की। कुछ दिक्कतें जरूर आई लेकिन मेरी टीम ने उन दिक्कतों को दूर करते हुए वो फाइल पास हुई। मैं इसके लिए यहाँ के वार्ड ऑफिसर और DMC का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहयोग दिया और ये वाटर का प्रोजेक्ट पास हो चुका। इसकी वजह से पूरे टाट रोड पर 8 से लेकर 10 नंबर तक सभी में पानी की डबल सप्लाई हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 20-30 साल से पूरी नहीं की रही है। Okay, thank you.